जयन दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों 2020 में मैंने जब स्पर्श के बारे में चर्चा जोर से चल रहा था, उसी टाइम मैंने चेतावनी दिया था स्पर्श आने से लोगों को तकलीफ बहुत ज्यादा होगा और स्पर्श के खिलाफ हमें आवाज उठाना। लेकिन आप में से किसी ने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप लोग जो है वन रैंक वन पेंशन के पीछे ही भाग रहे थे। अभी आप सबको मालूम है कि दिसंबर 15 तारीख का डेट हो गया, अब उसमें कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अभी देखो, सारे ये कोट सूट वाले या रोज समाचार पढ़ने वाले या सिविल यूट्यूबर सभी जो है अभी स्पर्श के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों इनमें से कोई भी स्पर्श के जो है प्रॉब्लम्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सारे जो है ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, ऐसे करने से ठीक हो जाएगा, ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। अरे ये लोग मूर्ख है। दोस्तों मैंने परसों एक वीडियो देखा था, वो भी मतलब उसका जो है सैनिक समाचार न्यूज करके बहुत बढ़िया उसने दिया, बहुत बढ़िया। उन लोगों ने आरटीआई अभी डाला है, उस आरटीआई में 12 सवाल पूछा, 12 सवाल, एक एक सवाल ऐसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन कितने लोग उसको देखते हैं, कितने लोगों को पता है कि वो समस्या सबके साथ होने वाला है। दोस्तों पहले जो है यूजर आईडी पासवर्ड जो और स्पर्श का जो पीपीओ नंबर अलग था, लेकिन अभी उनके पास टाइम नहीं है स्पर्श वाले के पास, इसलिए जो है जो माइग्रेशन का जो आपको जो है मैसेज आता है उसी को स्पर्श पीपीओ बना दिया। अब मैसेज ये दे रहे हैं कि 30 अक्टूबर से पहले आप लोगों को जो है अपना पर्सनल डाटा वेरिफिकेशन करना है, अगर वेरिफिकेशन आप नहीं करोगे तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। ये चेतावनी वो स्पर्श वाला दे रहा है। अब मैं अपना खुद बता रहा हूं, मैं जब मैंने अपना डाल के देखा है तो मेरा टेलीफोन नंबर ठीक आ रहा है, मेरा पैन कार्ड ठीक आ रहा है, लेकिन आधार कार्ड वो जवाब दे रहा है कि आधार कार्ड आपका जो है वैलिड नहीं हुआ। अब कहते हैं ना घर में बैठ के करो, लेट के करो, लेटरिन में करो, अब ऐसे नहीं होगा। ये भी मेरे को सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, इसके लिए सर्विस सेंटर में जाके मुझे अपना आधार कार्ड पहले अपडेट करना है, और आधार कार्ड अपडेट करने के बाद अगर वो आधार कार्ड एक्सेप्ट हो गया तो मैं आगे एक कदम आगे जा सकता हूं। अगर वो आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ, अगर स्पर्श वाला ने आधार कार्ड अपडेट अगर नहीं करेगा तो आप समझ लो कि मेरा भी पेंशन बंद हो जाएगा, क्योंकि जब तक मेरा जो है पर्सनल डाटा वेरिफिकेशन अपडेट नहीं होगा तो मैं लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूं। स्पर्श लाइफ सर्टिफिकेट लेगा ही नहीं, और जब अगर लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श नहीं लेता है तो अपने आप मेरा पेंशन बंद हो जाएगा। दोस्तों ये जो है ये कोट सूट वाला जो है आज उसका एक वीडियो अभी मैंने देखा है, वो कहता है कि पीसीडीए ने बहुत बढ़िया काम किया है स्पर्श वालों के लिए, ऐसे ऐसे नंबर दिया फलाना ढिकाना। अरे वो मूर्ख है, जो बेसिक समस्या है उसके बारे में बात ही नहीं करता, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम किया इन लोगों ने। हमारे संगठन जोवा जो है ग्राउंड लेवल पे हम काम करते हैं, पेंशनर का समस्या जानते हैं हम। आज भी सर्कुलर 568 के अनुसार जिनको अरियर मिला नहीं मिला, सर्कुलर 631 का अरियर बहुत लोगों को नहीं मिला, ऐसे ऐसे लोगों का जो है अभी स्पर्श में माइग्रेट हो रहा है। स्पर्श में माइग्रेट होने के बाद
उनको ये अरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी भी नहीं। दोस्तों ऐसे ऐसे जो प्रॉब्लम्स है हमारे जो जवानों का है, लेकिन ये कोर्ट सूट वाला या रोज समाचार पढ़ने वाले इसके बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं है। ये पैसा कमाने के लिए अपना चैनल चलाते हैं और कोई वेलफेयर नहीं है। और जो एक सिविलियन यूट्यूबर है वो लोगों का जो कमेंट, हमारे जो फौजी है ना यही है नालायक, यही बेवकूफ है। अरे एक सिविलियन के पीछे क्यों भाग रहे हो? जहां तक अपना पीपीओ बेचते हैं, अपना बैंक अकाउंट नंबर बेचते हैं, सर जरा चेक करके बताओ मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे तुम लोग नहीं जानते हो कि इसके इससे क्या होगा आपका। मैं खुद ही जो है अपने मेंबर्स का काम नहीं कर सकता हूं जब तक वो अपना मोबाइल से डाटा वेरीफाई नहीं करेगा, तो मैं यहां बैठ के नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक सिविलियन यूट्यूबर जो है अपना एजेंट्स रखा है पैसा कमाने के लिए, और ये ऐसे ही जो है हमारे फौजी भी रखे हैं एजेंट्स रखा है कि ये काम करके देगा वो काम करके देगा। दोस्तों किसी के बातों में विश्वास मत करो। सबसे पहले लोगों को मैं एक सुझाव देता हूं, अपने बैंक में जाके एक लेटर दे दो, 2008 से आपका जो है अकाउंट स्टेटमेंट ई स्टेटमेंट आपकी मेल आईडी पे ले लेना, ये बहुत बड़ा काम आएगा पीछे। अगर स्पर्श में कोई भी प्रॉब्लम आता है आपके अरियर्स का, यही अकाउंट स्टेटमेंट आपका काम आएगा। इस अकाउंट स्टेटमेंट ई स्टेटमेंट जो है अपने मोबाइल पे लेने के लिए एक पैसा का खर्चा नहीं है। आपको हार्ड कॉपी लेने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले ये काम आप कर लीजिए। और दूसरा, जिन लोगों का माइग्रेट हुआ है वो अपना काम खुद करना सीखो, या नहीं तो नजदीक के सर्विस सेंटर से आप अपना काम करो लो। किसी सिविलियन के पास मत भेजना आपका डॉक्यूमेंट। ये मैं आपको जो है एक एडवाइस दे रहा हूं बुजुर्ग होने के नाते। जब मैं बुजुर्ग बोलता हूं कुछ लोग कमेंट करते हैं घर में आराम करो, वो नालायक है क्योंकि उसको कोई काम नहीं आता। कुछ ऑफिसर्स के चमचे आते हैं, कुछ ऑफिसर्स जो है खुद ही कमेंट डालते हैं क्योंकि हम ऑफिसर्स के खिलाफ बात करते हैं। दोस्तों 1966 में एक संगठन खोला जो आज भी चल रहा है, और जिसमें 99% जो है जवान है, जेसीओ जवान। और जेसीओ जवान के लिए और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये संगठन क्या काम कर रहा है इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? ये 12 सवाल जो सैनिक समाचार न्यूज वालों ने जो उठाया है, बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। एक उसमें एक क्लास है, हमें जो है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देना है नेशनलिटी के लिए। अरे हम हिंदुस्तानी नहीं है? इतने साल से हम पेंशन कैसे ले रहे थे? और MACP का भी उसने सवाल किया। ट्रेड का जो है कोई मतलब नाम निशान नहीं है। AACT जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसका कॉलम नहीं है। हर चीज का जो है जवाब मांगा है RTI के थ्रू। आप लोग वो चैनल देखो, उस मतलब पर्टिकुलर ये RTI जो भी दिया मांगा है, RTI के थ्रू जो जवाब मांगा है वो हर एक के लिए लागू होता है। इसके अलावा जो है अभी भी एक यूको बैंक से एक का फोन आया है, बोला सर मेरा ये है अरियर ही नहीं मिला, मैंने आपका वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि मुझे मेरा भी अरियर बनता है 2,35,000 रुपये। एक पंजाब से एक का फोन आया, राजस्थान से एक का फोन आ रहा। इसका मतलब ये लोग जो है अभी तक जो घर में बैठे हुए थे इनको मालूम नहीं था, क्योंकि ये लोग रहते हैं रिमोट एरिया में, इसलिए इनको मालूम नहीं है। अभी इनको मालूम पड़ा तो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको अरियर्स नहीं मिला। अभी यूको बैंक और सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन लोगों का जो है माइग्रेशन शुरू नहीं हुआ। इंडियन बैंक जो भी इन बैंकों से जो ले रहे हैं
अपना अपना अरियस चेक कर लो पहले, जल्द से जल्द, चाहे आपको मतलब 10-15 हजार रुपए खर्चा करना पड़ रहा आने जाने में, खर्चा करो, जाके अपना काम करवा लो, नहीं तो आगे जाके बहुत पछताओगे। मैंने यूनियन बैंक का जो है 3 पेंशनर्स का काम लिया था, और जिसमें काम होते होते 2 लोगों का जो है स्पष्ट में माइग्रेट हो गया, अब उनका काम नहीं हुआ, सिर्फ एक बंदे को जो है अरियर मिला। तो ऐसे बहुत लोगों के साथ ऐसे होगा, और इसको कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन, या मतलब आप जो है प्रिकॉशन ले लो, पछताने के बाद कोई फायदा नहीं। और ऐसे ऐसे यूट्यूबर को जो छोड़ दो जो किसी काम का नहीं है, जो ग्राउंड में काम करने वाले और जो अच्छा सुझाव देने वाले, वो वाला चैनल देखो। और हमारा जो है 14 तारीख का प्रोग्राम आप सबको मालूम है, फिर आपको मैं याद दिलाता हूं, 14 तारीख को दिल्ली में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ साथ तमिलनाडु से 10-15 संगठन आएंगे, और यूपी से, मतलब कोई किसी के अंडर नहीं, सब कंधे से कंधे मिला के हम हर चीज के लिए आवाज उठाएंगे। और जब हम इतनी दूर आ सकते हैं, 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर जब हम आ सकते हैं दिल्ली NCR, यहाँ पे 3 लाख से ऊपर जो है फौजी है, आपको भी आना पड़ेगा, पंजाब हरियाणा राजस्थान बिहार यूपी हर एक जगह में जो भी जो है संगठन है, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 14 तारीख नवंबर महीने सुबह 9 बजे पहुंचाना जंतर मंतर, और वहां तय करेंगे आगे हमारा रणनीति। अगर जरूरत पड़े ORoP, स्पर्श डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल MSP और हमारे जो DGR, हर चीज के लिए जो है, अगर जरूरत पड़ने से हम रिले हंगर स्ट्राइक भी हम चालू करेंगे, लेकिन जब तक आप आगे नहीं आओगे तो कोई काम नहीं हो सकता। आप घर बैठ के पूजा करने से कोई फायदा नहीं, जो पूजा आप घर में बैठ के करते वो पूजा वहां आके करो, ये मत सोचो कि उसको मिलेगा तो मुझे मिलेगा, ये उसको मिलेगा तो मुझे मिलेगा के चक्कर में हम सब में किसी को नहीं मिला। आगे जो है सोचना आपका काम, कहना मेरा काम, और 14 तारीख नवंबर आप सबको मैं फिर याद दिला रहा हूं, फौजी एकता जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान।